हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2019-20 के बारे में, क्या लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए तक जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए वो आपको पूरी मिल सके। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको ऐसे ही एसएससी सीजीएल के साथ साथ अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट मिल सके। जैसे कि दोस्तों, आप सब लोग पता है कि आपका एडमिट कार्ड का स्टेटस है वो आउट हो चुका है, और जो अपडेट है हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी थी। अब जैसे ही एडमिट कार्ड का स्टेटस आया, कई सारे स्टूडेंट्स के 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 को, 5 को ऐसे एग्ज़ाम है, तो उसके बाद स्टूडेंट्स का मैसेज आने लगे टेलीग्राम पे, जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे कई सारे कमेंट्स, सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, आखिरी समय पे कैसे तैयारी करें। तो इसी वजह से हम आपके लिए वीडियो लेके आए कि कट ऑफ क्या रहेगी और आखिरी समय पर आपको यहाँ पर अब क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कर लिया होगा, तो कुछ नया पढ़ने से अच्छा है कि जो आपने अब तक अपने नोट्स बनाए हैं या कहीं भी कुछ पढ़ा हुआ है तो उसी को बार बार रिवाइज़ करें, आप अच्छे से रिवाइज़ करें, ताकि जो उन क्वेश्चनों से या जो आपने वो नोट्स बना रखे उनमें से अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो आपसे नहीं रहना चाहिए। अब कई सारे स्टूडेंट्स हैं वो करंट अफेयर्स को लेकर चिंतित है, सर कि करंट अफेयर्स को कहाँ से पढ़े। तो दोस्तों, आप कोई भी मार्केट से बुक ले सकते हैं, यहाँ पर अच्छी से अच्छी बुक्स अवेलेबल है यहाँ पे करंट अफेयर्स की, जिसमें वन लाइनर्स दे रखे हैं आपको, जितने भी प्राइस वगैरह है, कौन जिन नोबल प्राइज़ किसको मिले है, या और भी कई बेहतरीन किताब है जो आपको मार्केट में 50 से 60 रुपए के अंदर अंदर कई सारी बुक्स है जो करंट अफेयर्स की मिल जाएंगी। कई सारे स्टूडेंट्स यूट्यूब पर भी आप लोग देख सकते हो, जैसे रैंकिंग पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पर कितनी रैंकिंग है इंडिया की, या रैंकिंग से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आने आते हैं, तो आप वो सब यूट्यूब से देख सकते हैं। और दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स का शुरू में एग्ज़ाम है तो उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत होगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या आने वाला है, कैसा आएगा, कितने क्वेश्चंस कहाँ से, जो जीके में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स का बाद में एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप सब लोग पता है कि सीजीएल 2018 के अंदर हमने देखा था जो वही पैटर्न फॉलो हो रहा था। सिर्फ अगर हम बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग के अंदर जो क्वेश्चन है बिल्कुल बिल्कुल सेम पूछा रहे थे, बिल्कुल जो पैटर्न था वो सेम था, सिर्फ वैल्यूज़ को चेंज किया जा रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस बार काफ़ी अच्छा मौका जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे आखिरी में एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे करते रहिए। जो आपने नोट्स बनाए हैं तो नया पढ़ने से अच्छा है आपने अपना प्रीवियस है उसे रिवाइज़ करें अच्छी तरह से, प्रीवियस ईयर के जो सेट्स यानी कि जो 2018 के अंदर एग्ज़ाम हुए थे, चाहे वो सीपीओ का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था सीपीओ के अंदर, उनके क्वेश्चंस को आप देखें, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें आप लोग, ताकि आप सब लोगों का जो सीजीएल 2019 के क्वेश्चन हैं उन्हें जल्दी से जल्दी अटैम्प्ट कर सके। क्योंकि आप सब लोग पता है कि रीजनिंग में लगभग लगभग 15 से 16 या 18 मिनट तक जो स्टूडेंट्स हैं वो लगा लेते हैं यहाँ पे। और बात करें यहाँ पे जीके के अंदर, तो जीके के अंदर 5 से 6 या 4 से 5 मिनट तो आपको लगते ही है। इंग्लिश की बात करें तो 8 से 10 मिनट तक यहाँ पर आपको लग जाते हैं अगर आप अच्छे से सॉल्व करें तो, लेकिन मैथ्स के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को टाइम लगता है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आप कि जो स्पीड है वो यहाँ पे कम है, तो आप अपनी स्पीड को यहाँ पे तेज करिए। कई सारे स्टूडेंट्स का मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम था सर कि क्वेश्चंस आते हुए आखिरी टाइम पे रह जाते हैं। तो दोस्तों, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने आप पैटर्न से फैमिलियर हो जाओगे, उतनी जल्दी आप सब लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा अटैम्प्ट वो आप यहाँ पर कर सकते हो। अगर बात करें दोस्तों, तो आप लगातार यहाँ पे मॉक टेस्ट दीजिए, रोज़ अपना एक मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन उसका एनालिसिस है वो काफ़ी अच्छे तरीके से करिए कि क्वेश्चंस किस प्रकार पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, जीके हो। क्योंकि अब देख सकते हो दोस्तों, जो पैटर्न है वो सेम सेम सा फॉलो करता है एसएससी आखिरी टाइम तक। तो और बात करें दोस्तों, तो स्टार्टिंग के शिफ्ट में जो नॉर्मलाइजेशन है वो काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स यहाँ बढ़ते हैं। हमने पिछली बार भी देखा था कि जो सीजीएल 2018 के अंदर है नॉर्मलाइजेशन में स्टार्टिंग की शिफ्ट है उनके अंदर काफ़ी अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन हुआ था, लगभग 40 से 50, 50, 45, 35 तक जो मार्क्स है स्टूडेंट्स के यहाँ पर इंक्रीज़ हुए थे। लेकिन जो लास्ट के बात करें तो वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा उतना यहाँ पे नहीं मिल पाया। तो आखिरी समय में दोस्तों, हम यही बताना चाहते हैं आप सब लोगों को, बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करें, जितना लिखा है आपने बस उसी को रिवाइज़ करें। कुछ नया पढ़ने से अच्छा है कि जो आपने प्रीवियस पढ़ रखा है उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपसे वहाँ पर छूट ना जाए। अगर हम बात करें दोस्तों पिछली बार की कट ऑफ की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पिछली बार की कट ऑफ है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की वजह से आप सब लोग पता है कि अच्छे खासे मार्क्स से वो बढ़े थे, और इस बार वैकेंसीज भी आपकी काफ़ी अच्छी खासी है। तो बिल्कुल जितना भी समय आपके लिए यहाँ पर बचा उसमें रिवाइज करिए अपना, और जो कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जैसे इंपॉर्टेंट्स है तो उन्हें आप जरूर देख के जाइए, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन है वो फंस सकता है।
बात करें दोस्तों, अगर जैसे किसी शिफ्ट का यहाँ पे पेपर हो जाएगा यानी 2 तारीख को, तो पूरा उसको एनालिसिस देखी जाए। यूट्यूब पे कई सारे चैनल से जो एनालिसिस करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी वो बताते हैं, तो वहाँ से आप सब लोगों के क्वेश्चन जरूर न जरूर यहाँ पे आपको 1-2 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो जनरल कैंडिडेट्स की बात करें तो लगभग 137 के आसपास आपके यहाँ पर कट ऑफ थी। ओबीसी की बात करें तो 131, एसटी की बात करें तो 103 और एससी की बात करें तो लगभग 111 के आसपास आपके यहाँ पे कट ऑफ रही थी। और इस बार की अगर बात करें दोस्तों, तो इसी के आसपास लगभग आपके यहीं पे कट ऑफ बात करें तो या तो आपकी कट ऑफ है जो प्लस माइनस यहाँ पे 3 इंक्रीमेंट हो सकती है, यहाँ पे आप थोड़ी डिक्रीज भी हो सकती है, क्योंकि वैकेंसीज आपकी अच्छी खासी है। इस बार जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन आए जो लगभग पिछली बार से कम ही आ रखे हैं, और आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स तो 2018 के अंदर वो थे जिन्होंने 2017 के अंदर एग्ज़ाम दिया था। इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको कट ऑफ का देखने का यहाँ पे चांसेस मिल सकते हैं। बाकी इस बार का जो एग्ज़ाम का पैटर्न आएगा वो कैसा रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं अगर आप इतने नंबर लाते हो तो आप सब लोग यहाँ पे टीयर 1 क्वालिफाई कर रहे हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जॉब लाने के लिए लगभग 150 से अब 160 के आसपास आपके कहीं ना कहीं जो स्कोर है नॉर्मलाइज स्कोर उतना होना चाहिए ताकि आप सब लोगों को जो फाइनल सेलेक्शन है वो यहाँ पर मिल सके। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो कट ऑफ है लगभग इतनी यहाँ पे टीयर 1 के लिए रह सकती है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग कट ऑफ है दोस्तों, यहाँ पे आप सिर्फ क्वालिफाई कर पाओगे। टीयर 2 के लिए अलग से आपकी जो कट ऑफ है वो निकाली जाती है, फिर उसके बाद आपका टीयर 3 का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद से आपकी एक कट ऑफ निकलेगी, उसके बाद CPT और DST होगा और उसके बाद आपको फाइनल सेलेक्शन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप जितने ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे टीयर 1 में स्कोर कर पाओ उतना ही आपके लिए यहाँ पे बेटर रहने वाला है। तो फिलहाल यही कुछ लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों आप सब लोगों के लिए। अगर आपका और कोई डाउट है यहाँ पे किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई वहाँ पे जरूर देंगे। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। करंट अफेयर्स की मिल जाएंगी। कई सारे स्टूडेंट्स यूट्यूब पे भी आप लोग देख सकते हो, जैसे रैंकिंग पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं कि यहाँ पे कितनी रैंकिंग है इंडिया की, या रैंकिंग से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आने आते हैं, तो आप वो सब यूट्यूब से देख सकते हैं। और दोस्तों जिन स्टूडेंट्स का शुरू में एग्ज़ाम है तो उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत होगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या आने वाला है, कैसा आएगा, कितने क्वेश्चंस कहाँ से जो GK में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन दोस्तों जिन स्टूडेंट्स का बाद में एग्ज़ाम हो उनके लिए काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप सब लोग पता है कि CGL 2018 के अंदर हमने देखा था जो वही पैटर्न फॉलो हो रहा था। सिर्फ अगर हम बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग के अंदर जो क्वेश्चन है बिल्कुल बिल्कुल सेम पूछा रहे थे, बिल्कुल जो पैटर्न था वो सेम था, सिर्फ वैल्यूज़ को चेंज किया जा रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस बार काफ़ी अच्छा मौका जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे आखिरी में एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे करते रहिए। जो आपने नोट्स बनाए हैं तो नया पढ़ने से अच्छा है आपने अपना प्रीवियस है उसे रिवाइज़ करें अच्छी तरह से। प्रीवियस ईयर के जो सेट्स यानी जो 2018 के अंदर एग्ज़ाम हुए थे, चाहे वो CPO का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था CPO के अंदर, उनके क्वेश्चंस को आप देखें, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें आप लोग, ताकि आप सब लोगों का जो CGL 2019 के क्वेश्चन हैं उन्हें जल्दी से जल्दी अटैम्प्ट कर सके। क्योंकि आप सब लोग पता है कि रीजनिंग में लगभग लगभग 15 से 16 या 18 मिनट तक जो स्टूडेंट्स हैं वो लगा लेते हैं यहाँ पे। और बात करें यहाँ पे GK के अंदर, तो GK के अंदर 5 से 6 या 4 से 5 मिनट तो आपको लगते ही है। इंग्लिश की बात करें तो 8 से 10 मिनट तक यहाँ पर आपको लग जाते हैं अगर आप अच्छे से सॉल्व करें तो, लेकिन मैथ्स के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को टाइम लगता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप कि जो स्पीड है वो यहाँ पे कम है, तो आप अपनी स्पीड को यहाँ पे तेज करिए। कई सारे स्टूडेंट्स का मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम था सर कि क्वेश्चंस आते हुए आखिरी टाइम पे रह जाते हैं। तो दोस्तों आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने आप पैटर्न से फैमिलियर हो जाओगे, उतनी जल्दी आप सब लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा अटैम्प्ट वो आप यहाँ पर कर सकते हो। अगर बात करें दोस्तों तो आप लगातार यहाँ पे मॉक टेस्ट दीजिए, रोज़ अपना एक मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन उसका एनालिसिस है वो काफ़ी अच्छे तरीके से करिए कि क्वेश्चंस किस प्रकार पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, GK हो। क्योंकि अब देख सकते हो दोस्तों जो पैटर्न है वो सेम सेम सा फॉलो करता है SSC आखिरी टाइम तक। तो और बात करें दोस्तों तो स्टार्टिंग के शिफ्ट में जो नॉर्मलाइजेशन है वो काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स यहाँ बढ़ते हैं। हमने पिछली बार भी देखा था कि जो CGL 2018 के अंदर है नॉर्मलाइजेशन में स्टार्टिंग की शिफ्ट है उनके अंदर काफ़ी अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन हुआ था, लगभग 40 से 50, 50, 45, 35 तक जो मार्क्स स्टूडेंट्स के यहाँ पर इंक्रीज़ हुए थे। लेकिन जो लास्ट के बात करें तो वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा उतना यहाँ पे नहीं मिल पाया। तो आखिरी समय में दोस्तों हम यही बताना चाहते हैं आप सब लोगों को, बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करें, जितना लिखा है आपने बस उसी को रिवाइज़ करें। कुछ नया पढ़ने से अच्छा है कि जो आपने प्रीवियस पढ़ रखा है उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपसे वहाँ पर छूट ना जाए। अगर हम बात करें दोस्तों पिछली बार की कट ऑफ की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पिछली बार की कट ऑफ है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की वजह से आप सब लोगों को पता है कि अच्छे खासे मार्क्स वो बढ़े थे, और इस बार वैकेंसीज भी आपकी काफ़ी अच्छी खासी है। तो बिल्कुल जितना भी समय आपके लिए यहाँ पर बचा उसमें रिवाइज़ करिए अपना, और जो कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जैसे इंपॉर्टेंट्स है तो उन्हें आप जरूर देख के जाइए, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन है वो फंस सकता है।
बात करें दोस्तों, अगर जैसे किसी शिफ्ट का यहाँ पे पेपर हो जाएगा यानी 2 तारीख को, तो पूरा उसको एनालिसिस देखी जाए। यूट्यूब पे कई सारे चैनल्स हैं जो एनालिसिस करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी वो बताते हैं, तो वहाँ से आप सब लोगों को क्वेश्चन जरूर न जरूर यहाँ पे आपको 1-2 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो जनरल कैंडिडेट्स की बात करें तो लगभग 137 के आसपास आपके यहाँ पर कट ऑफ थी, ओबीसी की बात करें तो 131, एसटी की बात करें तो 103 और एससी की बात करें तो लगभग 111 के आसपास आपके यहाँ पे कट ऑफ रही थी। और इस बार की अगर बात करें दोस्तों, तो इसी के आसपास लगभग आपके यहीं पे कट ऑफ बात करें तो या तो आपकी कट ऑफ है जो प्लस माइनस यहाँ पे 3 इंक्रीमेंट हो सकती है, यहाँ पे आप पे थोड़ी डिक्रीज भी हो सकती है, क्योंकि वैकेंसीज आपकी अच्छी खासी है। इस बार जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आए हैं जो लगभग पिछली बार से कम ही आ रखे हैं, और आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स तो 2018 के अंदर वो थे जिन्होंने 2017 के अंदर एग्ज़ाम दिया था, इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको कट ऑफ का देखने का यहाँ पे चांसेस मिल सकते हैं। बाकी इस बार का जो एग्ज़ाम का पैटर्न आएगा वो कैसा रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं अगर आप इतने नंबर लाते हो तो आप सब लोग यहाँ पे Tier 1 क्वालिफाई कर रहे हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जॉब लाने के लिए लगभग 150 से अब 160 के आसपास आपके कहीं ना कहीं जो स्कोर है नॉर्मलाइज स्कोर उतना होना चाहिए ताकि आप सब लोगों को जो फाइनल सिलेक्शन है वो यहाँ पर मिल सके। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो कट ऑफ है लगभग इतनी यहाँ पे Tier 1 के लिए रह सकती है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग कट ऑफ है दोस्तों, यहाँ पे आप सिर्फ क्वालिफाई कर पाओगे। Tier 2 के लिए अलग से आपकी जो कट ऑफ है वो निकाली जाती है, फिर उसके बाद आपका Tier 3 का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद से आपकी एक कट ऑफ निकलेगी, उसके बाद CPT और DST होगा और उसके बाद आपको फाइनल सेलेक्शन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप जितने ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे Tier 1 में स्कोर कर पाओ उतना ही आपके लिए यहाँ पे बेटर रहने वाला है। तो फिलहाल यही कुछ लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों आप सब लोगों के लिए। अगर